सुबह वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक इजलास से खिताब करें, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। ट्रेड कॉमर्स इन्वेस्टमेंट इन असूलों की बुनियाद पर हम पाकिस्तान की जो तारीख है उसका धारा मोड़ सकते हैं। और आज मैं ये मुझे इतनी खुशी है कि आज लाहौर सॉरी मैं इसका भी बंद करें मोबाइल प्लीज लाहौर मुझे सरकार ये आपका था तो ये सॉलिड वेस्ट कंपनी जो लाहौर की है जिसको आज से एक साल पहले कुछ नहीं आता जाता था इनके आज भी बदकिस्मती है चंद हफ्ते पहले यानी ये जदीद टेक्नोलॉजी आने के लेने के बावजूद जदीद मशीनरी आने के बावजूद जो इनका बाकी बचा खुचा इनका कचरा इनका जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है वहाँ पर भी तरबाले नहीं बचाते थे उनके ऊपर ढकने के लिए। हालांकि दूसरी तरफ मशीनें आई हैं जो विच हैव हाइड्रोलिक सिस्टम विच हैव फुली कवर्ड कोई वहाँ पर कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इनके अपने ट्रक जो हैं उनको तरपालें डालने के लिए भी मुझे कहना पड़ा। बहरहाल मैं ये कहने पे जोर कहूँगा कि जनाब वसीम अजमल और ख्वाजा सहान और उनकी टीम ने बहुत काम किया है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। मार इश्तियाक इनके साथी हैं और ये ट्रेन हो रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जो लाहौर ने सॉलिड वेस्ट कंपनी ने जो इस्तांबुल की कंपनी स्टेट से जो टेक्नोलॉजी ली थी उसी को बुनियाद बनाकर कैपेसिटी बिल्डिंग करके आज स्टेच और लाहौर सॉलिड वेस्ट कंपनी की मुश्तरका काविज से रावलपिंडी के लिए सियालकोट के लिए मुल्तान के लिए और गुजरांवाला के लिए चार शहरों के लिए जो मंसूबा मैंने 2.5 साल पहले लाहौर में जिसकी इत्तेदा की थी और जिसकी अमली जामा जिसको इस साल बनाया गया मार्च में जब इसके ऊपर काम शुरू हो गया अमली तौर पर इसी का रेप्लिका इसी की प्रोटोटाइप रावलपिंडी और गुजरांवाला और सियालकोट और मुल्तान में इसको शुरू करने के लिए आज MOU साइन हुए हैं और MOU साइन हुए हैं सियालकोट रावलपिंडी गुजरांवाला और मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और लाहौर सॉलिड वेस्ट कंपनी के दरमियान। ये है वो नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता था आपको कि कैपेसिटी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह टर्की की बेपनाह मदद और मावनत के बाद आज ये तैयार हो चुकी है कंपनी की। वो अब अपनी जो तजर्बा है वो बांटने के लिए तैयार है पंजाब के बाकी शहरों के साथ और इंशाल्लाह पंजाब के बाहर भी। ये इंतहाई खुशी की बात है। इसको कहते हैं कि जादू वो जो सड़ के बोले वेरेवर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, वगरना यही वो कंपनी जो ठोस कंपनी थी और 2 अरब रुपये साल का पैसा उसमें से 50-60% 70% ज़ाया होता था आज उसको कंट्रोल किया जा रहा है। आज एक 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 मजदूर एक एक जो मावन है उसकी वहाँ पर हाजिरी रखती है। आज हर रोज़ रात को मशीनें धुलती हैं साफ होती हैं, आप रात को 12 बजे देखें उन मशीनों को इस तरह साफ होती है जिस तरह के सुबह दूध की जो अपना ट्रांसपोर्ट दूध को ट्रांसपोर्ट करना है कभी आप। ये है वो पैराडाइम शिफ्ट, ये वो है चेंज फॉर एवर जो लाई जा रही है इस सिस्टम के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुश्तरका काविज से इसके लिए हमें जो बड़ी कोशिश करनी पड़ी लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि तुर्की के वज़ीर आज़म और मेयर ऑफ इस्तांबुल और उनकी टीम की ज़ाती मोहब्बत और कोशिश के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और पाकिस्तान में जो पाक टर्क जो यहाँ पे सिस्टम है उनके जनाब तुर्कत साहब सादी और इन्होंने इस मामले में हमारी बेपनाह मदद की ना सिर्फ सॉलिड वेस्ट में हर शोबे में जहाँ पर भी हमारे हमें ज़रूरत पड़ती है ये मदद करते हैं। तो ये जो 80 साल पुरानी जो चली आ रही थी एक नैरेटिव एक कहानी एक सोच और दिल की गहराइयों के साथ कि तुर्क पाकिस्तानी भाई भाई और तुर्की हमेशा कहते थे कि 80 साल पहले जो आपने बरज़गीर के मुसलमानों ने तुर्की की जंग आज़ादी के लिए जो मदद की और जो यहाँ पर समझते थे कि वो खिलाफत मूवमेंट वहाँ चल रही है वहाँ पर जो जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो उसके लिए जो पाकिस्तान इस बरज़गीर के मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी औरतों ने बाजियाँ दी मर्दों ने अपने पैसे दिए लोग वहाँ पर उनके साथ लड़ने के जंग में शामिल हुए तो वो आज तक तुर्क कौम ये बात नहीं भूल पाई बल्कि न सिर्फ
उनको याद रखा, बल्कि अपने स्कूल और कॉलेजेस में अपने करिकुलम का हिस्सा बना दिया कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने जंग तुर्की की जंग आज़ादी में उनकी क्या मदद की। तो ये है वो जज्बा जिसको आज पहली मरतबा अमली नमूना पहनाया गया पंजाब और तुर्की की इस कमर्शियल इस इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के साथ, इस जॉइंट इन्वेस्टमेंट के साथ, जॉइंट उसके कई आगे 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 दरीचे खुल रहे हैं, कई नए इसके शगुफे खुल रहे हैं। अब BRT में टर्किश इन्वेस्टमेंट आ रही है, आर्टिकुलेट बसेस जो हैं वो टर्क कंपनीज लेके आ रही है। दिस इज आई एम टेलिंग यू व्हाट वी कॉल अ स्नोबॉल इम्पैक्ट। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि सॉलिड वेस्ट कंपनी लाहौर इस काबिल हो गई कि वो अब टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है पंजाब की दूसरी सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट जो आउटफिट्स हैं दूसरे अजला में। तो ये बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक सफ़र है, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ओकेजन है, मौका है, और इसको जितना भी इसके ऊपर खुशी का इजहार किया जाए कम है, और उससे बढ़कर अमली तौर पर मेहनत और मेहनत और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की हालत बदलेगी, शहर साफ होंगे, लोग सुथरे होंगे, बाग होंगे, फूल होंगे, सड़कें साफ होंगी, मोहल्ले साफ होंगे, तो उससे ईमान भी ताज़ा होगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। ये है वो आज की, और मैंने बहुत वक्त लिया इसलिए कि ये बहुत अहम मौका था और बड़ा मुनासिब मौका था। अब अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो कीजिए, किसी और इशू पर मैं जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल, पूरे लाहौर, पूरा लाहौर कवर हो जाएगा, अभी पार्टली हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इलेक्शन से पहले, मेरा इरादा है कि वहाँ पर चारों शहरों में वो इब्तदाई काम शुरू कर दिया जाए इंशाल्लाह, इलेक्शन से बहुत पहले इंशाल्लाह। अब ये चारों अजला की जो मैनेजमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट और जो डिविजनल जो वहाँ पर अपना ऑफिशल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही पर वो कितना शौक और ज़ौक के साथ ये काम करते हैं। बारी बारी अच्छा काम नहीं है, अच्छा इसके ऊपर काम करें ना, ये इससे बिजली भी पैदा होगी, आपके इल्म में होना चाहिए, इसके ऊपर बिजली भी पैदा होगी। और भाई बात तो सुने ना मियाँ, बात सुन, ये जो कूड़ा करकट है दिस विल बी देन बिकम फ्यूल टू जनरेट पावर। उससे पहला एक स्टेप है लैंडफिल साइट जहाँ पर ये डंप होना, वो जो ये जो है महमूद भुट्टी, वो बिल्कुल बेहंगम बेढंगा वो निज़ाम था, आज से पता नहीं 30-40 साल शुरू किया गया। तो मैं ये टर्क्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो उस लैंडफिल साइट जो एक साल बाद बंद हो जाएगी, जहाँ पर आपने देखा होगा वो रिंग रोड पर दीवार खड़ी कर दी गई है, क्योंकि रिंग रोड के ऊपर है, और देखिए इतनी शानदार रिंग रोड साथ इंतहाई गलाजत के ढेर लगे हुए हैं अपना एकर्स में, तो उसको हमने एक तो कवर किया है, दीवार लगाई है। तो आया वहाँ पर हम जो नई लैंड नई का क्या नाम है लखोडेर साथ ही है, उसको एक अभी 10 दिन में उसका संगे बुनियाद रख दिया जाएगा, और नवंबर में किधर है वसीम अजमल, नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा, और एक साल में वो इंशाल्लाह लैंड साइड फिल साइट तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर ये जो पुरानी जो है ये जो महमूद भुट्टी वाली बंद हो जाएगी, यहाँ पर हम पार्क बनेगा, या कोशिश होगी यहाँ से बिजली अगर जनरेट हो सके, जो गैस वहाँ पर जो एमिशन होंगी। अभी टर्क श्योर नहीं है, इनका कहना है कि आपने तरतीब के साथ इस लैंडफिल साइट को नहीं बनाया था, ये बेहंगम सा काम है, तो अगर तो हम कर सके तो ठीक, ना कर सके तो यहाँ एक पार्क बन जाएगा। और साथ वाली जो लैंडफिल साइट जहाँ लखोडेर नई जो है वहाँ पर पावर जनरेशन होगी आज से 1.5-2 साल बाद, जब वहाँ पर कूड़ा करकट जहाँ पर वो डंप होना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो मैं अभी तुर्की जा रहा हूँ इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में, और तुर्की में मेरा वहाँ पर मेरे जो दूसरी मसरूफियात है वहाँ पर कोल बेस्ड पावर जनरेशन की बुनियाद पर मेरा इरादा है कि वहाँ पर मेरी ऑलरेडी एज ए स्पीक एक टीम वहाँ पर मौजूद है, संकट अंकरा में सेक्रेटरी एनर्जी जो है खान साहब वो वहाँ पर मौजूद हैं, जाजिब खान और
फरुख शाह जो कंपनी के सीईओ हैं वो मौजूद हैं और एग्जाम बैंक से उनसे बात हो रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह इब्तदाई काम से हो जाएगा जी, जब होंगे ऐसा कोई एडवाइस, ऐसा कोई मशवरा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भी देंगे और क्या और